देखो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर थ्री में जो पहला क्वेश्चन है उसमें विच चार्जेस आर पॉजिटिव, तो क्वेश्चन एक ए क्योंकि लाइंस बाहर निकल रही हैं एंड सी बाहर निकल रही हैं। विच चार्ज हैज़ द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, सी, क्योंकि जितनी लाइंस बाहर निकलेंगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक? इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, इसका आंसर क्या मार्क किया है? ए, क्यों? ये जगह खाली है इसलिए? नहीं, ये लॉजिक नहीं है। देखो देखो, नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का मैं ये भी नहीं है, लॉजिक समझो। सबसे पहले एक पॉइंट समझो, सपोज आपके पास एक 10 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब 2 कूलम अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, 10 कूलम अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दोनों के फील्ड्स ही फील्ड्स हैं। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ कि इमेजिन करो, एक मिनट, पहला फर्स्ट केस ये लेता हूँ, ये 10 कूलम है, 10 और 10 दोनों बराबर लेते हैं, पहले दोनों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूँ तो मिड पॉइंट पे पूछूं कि नेट ई की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, प्लस वन। तो आप लोग ये बोलेंगे कि ये 10 प्लस 1 को क्या कर रहा है, रिपेल, तो आपके पास E की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये 10 भी प्लस 1 को क्या कर रहा है, रिपेल, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये रहा नेट E की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंटिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों दोनों प्रेजेंट है, पर फिर भी नेट वैल्यू क्या गई, 0। यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फिर भी एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर नेट ई 0 है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, उसे न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो ये नहीं कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो जितना जो मर्जी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा होगा कि अगर आपके पास सपोज करो फील्ड प्रेजेंट है पर फील्ड के अंदर दो फील्ड आपस में कैंसिल कर गए और नेट ई 0 दे गए, तो वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझो और इसका आंसर दो। सपोज करो आपके पास इस बार 10 कूलम का चार्ज है और एक 2 कूलम का चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट जहां नेट ई 0 है, कम से कम इस बार मिड पॉइंट पे तो नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट पे कैसे हो सकता है, एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है। कितने लोग कहते हैं कि नेट ई 0 राइट वाले रीजन में आएगा, कितने लोग कहते हैं कि लेफ्ट रीजन में आएगा, लेफ्ट में आना चाहिए कि राइट में आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए आपको लगता है? देखो ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लो मैं ये पॉइंट यहाँ कहीं लेता हूँ जहाँ नेट ई 0 है, चलो मान लेता हूँ शायद राइट में हो, जहाँ ई निकालना है वहाँ प्लस वन, तो 10 इस प्लस वन को रिपेल करेगा और ई लगाएगा, और 2 कूलम भी इसे रिपेल करेगा और ई लगाएगा। अब 10 कूलम जो ई लगाएगा उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 डिवाइडेड बाई, मान लो ये डिस्टेंस x है, 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और 2 जो e लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, वाई मतलब मान लो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक y। अब जो 10 e लगा रहा है वो बड़ा e लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, इसका न्यूमिनेटर भी बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर भी छोटा है, तो ओवरऑल e की वैल्यू बढ़ गई, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में कभी कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी वैल्यू ये छोटी वैल्यू देगा, तो ये कैंसिल नहीं करेंगे, तो यहाँ नेट ई 0 नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं यही पॉइंट कहाँ पे लेता हूँ, इस तरफ लेता हूँ, सपोज करो ये 2 कूलम है और ये 10 कूलम है, ये मिड पॉइंट है, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ जहाँ मुझे ई निकालना है, तो 2 कूलम अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ई लगाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस, और 10 कूलम यहाँ पर थोड़ा सा वीक लगाएगा, वीक क्यों लगाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा होने से ई कम हो गया, तो हाँ देयर मे बी सम केस या यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पर ई आपस में क्या हो जाए, कैंसिल, तो ऐसे केस में बोल सकते हैं कि नेट ई 0 आएगा। तो ठीक बोल रहे हैं जिन्होंने बोला कि लेफ्ट साइड पे आएगा राइट साइड पे नहीं आएगा। आगे से एक शॉर्टकट याद रखते हैं, अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक बड़ा एक छोटा है, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज की तरफ मिलेगा आपको, बड़े की तरफ मिलेगा छोटे की तरफ मिलेगा, शॉर्टकट है।
एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, आप कहीं बीच में ई निकालते हो तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो नेट कैंसिल ही नहीं हो सकता। तो सिमिलरली चार्ज, जब चार्जेस होंगे तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा और कमज़ोर चार्ज की तरफ मिलेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि इन विच रीजन या रीजन ऑफ द पिक्चर कुड इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। अब देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें तो मिलेगा नहीं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में मिलेगा। इनमें से स्ट्रॉन्ग चार्ज कौन है? सी। वी कौन है? ए। तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वी की तरफ, तो यानी कि नियर ए। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, नियर ए कैसे होगा। ठीक, नेक्स्ट। पांच चार्जेस हैं और इसके वर्टेक्स पे पड़े हैं, पेंटागन पे, रेगुलर पेंटागन है। आपको बताना है कि नेट ई की वैल्यू यहां पर ओ पॉइंट पर क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्या होगी? जीरो। जितने भी सिमेट्रिकल फिगर्स हैं जिसमें स्क्वायर के ऊपर चार चार्जेस हैं, सेंटर पे ई निकालना है, जीरो। पेंटागन है, नेट ई जीरो। हेक्सागन है, नेट ई जीरो। रेगुलर फिगर जितनी भी एन पॉलीगन है, नेट ई जीरो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इफ चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर से ए इज रिमूव। तो अगर मैं ए का चार्ज हटा दूं और इन चार्जेस को रख दूं, इसको हटा दूं, तो नेट ई की यहां वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सारे चार्जेस पड़े होते हैं तो नेट ई क्या आता है? जीरो, जीरो आता है। आप मुझे एक चीज बताओ कि मैं उल्टा एज्यूम करता हूं, सिर्फ ये चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार चार हटा दिए मैंने, सिर्फ ये चार्ज पड़ा है, ये चार्ज अगर मुझे ई यहां पे निकालना है तो प्लस वन, तो ये चार्ज इस प्लस वन को रिपेल करेगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, करेगा। तो अगर मैं इन चार चार्जेस को भी रख दूं, वो चार चार्जेस का वेक्टर सम यहां बनेगा, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी? सेम होगी। तभी तो ऊपर और नीचे के वेक्टर कैंसिल करके नेट आंसर क्या देंगे? जीरो। तो जो चार चार्जेस ई ऊपर लगाएंगे, वो अकेला क्यों नीचे लगाएगा? ताकि आपस में नेट आंसर जीरो आ जाए। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने इन चार चार्जेस को तो रखना है, इनको तो रखना है, पर इसको रखना नहीं, इसको नहीं रखना, इसको हटा दो, तो बचेगा क्या? सिर्फ ये बच गया। तो आंसर क्या आएगा? अगर मान लो एक चार्ज आपने हटा दिया ए वाला, तो चार चार्जेस मिलके ऊपर ई लगाएंगे, जिसकी वैल्यू होगी, जो ये अकेला लगा रहा था, 1/4πε0 q/r2। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। एक चार्ज ने जो लगाया, चार चार्जेस ने भी सेम लगाया। क्लियर है यहां तक? तो एक चार्ज ने क्या लगाया? 1/4πε0 q/r2। तो चारों ने क्या लगाया? 1/4πε0 q/r2। तो वो यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मैं ये चार रख लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, तो ई क्या होगा? तो ई की वैल्यू 1/4πε0 q/r2 होगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अगला पार्ट है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इफ द चार्ज क्यू एट ए इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू। तो मुझे एक बात बताओ कि ये चार्ज, चार चार्जेस मिलके यहाँ पे ई लगा रहे थे, 1/4πε0 q/r2 लगा रहे थे, वो कह रहा है कि ये प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर दो। अब माइनस क्यू क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि जहां ई निकालना है प्लस वन रखो, तो प्लस वन को ये अट्रैक्ट करेगा। तो नेट ई में क्या होगा? इसका कंट्रीब्यूशन भी एग्जैक्टली सेम होगा। अब चार चार्जेस का भी सेम है, पहले जब ये पॉजिटिव था तो ये नीचे वैक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, नेगेटिव ने ऊपर किया, तो आपको लगता नहीं वैल्यू डबल हो जाएगी? तो 2 × 1/4πε0 q/r2, राइट? क्लियर है? तो नेगेटिव होने से दोनों वेक्टर अब ऑपोजिट होने की बजाय सेम तरफ हो गए, सेम तरफ होने का मतलब दोनों ऐड हो गए। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, व्हाट वुड योर आंसर ए बी अफेक्टेड अगर पेंटागन रिप्लेस बाय एन साइड रेगुलर पॉलीगन, तो भी नेट आंसर ओ पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि रेगुलर साइड है, आंसर जीरो रहेगा। इस क्वेश्चन में दोनों चार्जेस क्या होंगे? नेगेटिव, क्योंकि लाइंस इनमें क्या कर रही है? एंटर कर रही है, तो दोनों चार्जेस नेगेटिव। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है क्या करेक्ट है। देखो, ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर इस पॉइंट पे एरोज एंटर कर रहे हैं और एरोज बाहर निकल रहे हैं। एंटर करने का मतलब कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और बाहर निकलने का मतलब पॉजिटिव। तो एक ही पॉइंट पर एंट्री और एग्जिट नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता। लाइंस यहां से एक जगह से स्टार्ट होनी चाहिए,
ये नहीं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो, ये यहाँ से स्टार्ट, तो ये हो नहीं सकता। सर्कल लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती नहीं, हमने प्रॉपर्टी लास्ट टाइम की थी, ये हो नहीं सकती। तो फिर ये होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आंसर है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लाइन, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि लाइन बाहर भी निकल रही है और एंट्री भी कर रही है गलत, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन हमेशा बाहर निकलती है। ये हो नहीं सकता क्योंकि लाइन को परपेंडिकुलर एंटर करना होता है सरफेस में, ये हो नहीं सकता। हवा में लाइन ऐसे बेंड होती नहीं, टेढ़ी गोल हो सकती हैं, कर्व हो सकती हैं, ऐसे कर्व टेढ़ा नहीं मारती, ये नहीं हो सकता। ये होगा जिसमें पॉजिटिव से स्टार्ट होके लाइन्स नीचे एंटर कर रही है। ठीक, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, स्मॉल क्यू बड़ा चार्ज होगा कैपिटल क्यू से, क्योंकि स्मॉल क्यू में ज़्यादा लाइन्स बाहर निकल रही हैं, कैपिटल क्यू में कम है। स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा, स्मॉल क्यू पॉजिटिव होगा और स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू से ज़्यादा होगा। आंसर